वहीं आप लगा हटा। हाँ बिल्कुल भाई, ये आइकॉनिक ब्रिज है गोवा का, जुआरी ब्रिज कहते हैं। इन दोनों टावर के बीच में एक नया टावर बन रहा है, जो क्रेन आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मूविंग रेस्टोरेंट एंड विजिटर गैलरी बन रही है दोनों टावर में। तो भाई आपको बता दें, आप कभी भी गोवा आते हैं तो कालंगूट, बागा बीच सब घूमते हैं, लेकिन साउथ गोवा के अंदर एक बीच है मादावाल बीच, जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। तो बस बता दें, तो बस ये है कि भाई कभी सबको आते हैं तो इस बीच में ही मज़ा लीजिए। एक्चुअली बीच के ऊपर आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है इधर, तो अपने हिसाब से तैयारी करके आइएगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है बीच बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं इधर पेट्रोलिंग भी हो रही है, ये सामने ये देखिए ये पेट्रोलिंग हो रही है पीछे, और कैमरे को घुमा के आपको बीच बताते हैं। तो ये है बीच इधर का, ओके। तो और ये रहेगा बाहर का रास्ता, ये देखिए पेट्रोलिंग चल रही है और अपनी गाड़ी खड़ी है बाहर। ओए हो, ये थोड़ी गरम गरम देख सकते हैं, ये है सामने डोना पावला जट्टी और हम ले रहे हैं यहाँ पे एंट्री, और ये जा रहे हैं हमारे चार चंगो मंगो। तो ये वो जगह है जहाँ पे अपनी हिंदी फिल्मों की, सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हुई थी, जिसका नाम था सिंगम। इधर की खम्भे वो खड़े हुए थे सिंगम में, तो हम पहुंच चुके हैं आज फाइनली उस जगह। हाउ नारायण, ये देख लो हमारे सिंगम ही याद है हमारे बाजू में। हेलो भाई, गोवा में एक चीज़ पक्का है, कुछ मिले नहीं मिले लेकिन रंग मिल जाता है, गोरे से काला हो जाता है, लेकिन क्या करें कमबख्त। वो कहते ना, आना तो बनता है ना, तो पहुँच गए थे काले होने के लिए। इधर के लोग कैसे रहते पता नहीं है भाई, अपनी तो लग चुकी है। गर्मी भी दिख रही होगी, दिसंबर का दिन, दिसंबर का महीना, तो उसमें ये हालत है। ठीक, तो भाई बोलते ना, दुनिया बड़ा छोटा है, कहाँ कौन मिल जाए मालूम नहीं है। तो आज हमारे को मिल गए हमारे मुंबई के चार यार। यो हेलो, कैसा चल रहा है? मस्त, गोवा में मज़ा आ रहा है। कितना दिन हो गया? तीन दिन में क्या क्या कर लिया भैया बताने का? बटरफ्लाई बीच, साउथ गोवा, पेबल बीच, काबोटीराम। ओए होए, क्या बात है, देखो पीछे छोटा सुतली बम निकल लिया है। मसाज कर लिया, ये भी दुबला दिख रहा है। समझ गए भाई, इधर आओ तो सब करने का, रोज आने का नहीं होता ना, दो चार साल में कभी एक बार आने का, गोवा में फुल चिल मारने का। समझ गए, घर पे जाके बोलोगे ये नहीं कर पाए, शर्ट दोबारा जाएगा, वो नहीं बोलने का, एक बार गोवा आने का फुल मजे लेके वापस घर जाने का। यस, ओके ओके, बाय बाय। क्या मतलब है फोटो लेने का? ये सज्जन बैठे हुए सामने जो मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने हमको धोखे में अंकल बोल दिया, तो इनकी हंसी बंद हो गई थोड़ी देर के लिए। ये देखो, और ये पीछे बैठे तीन हैंडसम बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं गोवा के अंदर। ठीक, और अभी भी धोखे में, अभी भी धोखे में। ठीक है, तो भाई धोखे में भी अंकल नहीं बोलने का अपने को, भाई बोलने का, छोटे भाई ने भाई बोलने का। हाँ ठीक, तो देख रहे अंकल बोले तो क्या होगा मालूम है ना सबको, अंकल बोला तो एक फुट ऊपर से दो फुट नीचे से कम कर देते भाई। हम खड़े हुए चैपल ऑफ सेंट विलियम्स चर्च के अंदर गोवा में, बस यहाँ से हो रही है अब आगे के लिए रवानगी। इस चर्च का क्या हिस्ट्री आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हैं चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टन ओल्ड गोवा। तो बस यहाँ से अब आगे के लिए हो चुकी रवानगी।
ओफ, ओफ। और ये बैठे हैं हमारे दोस्त लोग सामने, इंतजार कर रहे हैं हमारा कि भाई कब हम पहुंचे, उसके बाद आगे के लिए फटाफट गाड़ी को दौड़ा जाए। तो देख लिया आपने, ये चलता रहता भाई रोड ट्रिप के ऊपर, थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लॉगिंग, थोड़ी सी वीडियो। एक्चुअली इस बार मूड है केवल घूमने का, वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मूड नहीं होता है। फिर भी थोड़ा मोड़ा तो जब घूमने निकलते हैं तो करना पड़ता है, तो बस इसलिए इतना जितना वीडियो आपको देखने को मिले एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ नई चीज़ में दिखाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इतना इज्जत बहुत है यार, अपने उसमें बैठा के पिला रहे हैं। अच्छा, बोलो, बोलो 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 वहाँ पे ना बिहारी किंटर नहीं होगी। ना यार एक भी नहीं गया उसे। नहीं यार बिहारी कितना मस्त था, बोला बहन मस्त तो था, लेकिन उसने बोला ना कि हम थक गया इसलिए नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं था, एक सिंगल बिहारी था वहाँ पे, एक सिंगल बिहारी। वो देख के बोलते जाओ वापस, तुम थोड़ा क्या कर रहे हैं यार। कुछ भी होता मतलब सब कुछ है उधर, लड़की मिलेगी सब कुछ है उधर, दारू मिलेगी सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं जानकारी सुन लेती हूँ उसकी वहां से रिटर्न लेने में। प्रेम भाई के दो तीन वीडियो इधर से एंट्री है, कौन सा खजूर खा के आए हो जाना तो देखो है, लेकिन दो जने वेट करेंगे, दो जने वेट नहीं करेंगे, इतने पागल नहीं है। देखो आप देख सकते हैं ये है पंजम का मेन चर्च, बिल्कुल रोड के बीचों बीच, और ये पंजम का मार्केट। और लकीली इस टाइम है क्रिसमस का टाइम, तो लाइटिंग वगैरह कुछ जबरदस्त से ज़्यादा है, वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस भी बोल सकते और न्यू ईयर का टाइम भी, इन दोनों टाइम का सेलिब्रेशन एक साथ हो रहा है, तो गोवा पूरा सजा हुआ है। तो भाई कभी भी प्लान करते हैं तो इस टाइम आने का प्लान करिए, तो डबल इन्जॉय करेंगे, बोनस मिल जाएगा बोल सकते। तो बस आज का ट्रिप होता है यहीं कंप्लीट, और फिर कल गोवा का नेक्स्ट पार्ट घूमेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर। फ्लोटिंग है नहीं तो, और ये एक मिनट ये कोने पर नहीं आ सकते, समझे? इन्हीं के पास छोटी गाड़ियाँ होती वो लेके जाती हैं, ये खड़े हुए हैं।